वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब डीमन गॉड ने कार को पकड़ लिया था तभी हचेन वहां पड़ा चुका था और उसने कार को बचा लिया था, जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर उस डीमन गॉड से फाइट करते हैं और साथ में मिलकर उसको मार देते हैं। और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। वेल, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एग्जोजम पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो की बैठे होते हैं और गप लगा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि हचेन के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सच में वो नाइट काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसके आने के बाद ही हमारे फाइट का पूरा रुख बदल चुका था। तभी हमें एक बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए उनके बीच में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बटरफ्लाई जो होती है वो जिस भी बंदे पर बैठ रही होती है वो सभी बेहोश हो रहे होते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा बचा नहीं था जो कि उसके इन्फेक्शन से इन्फेक्ट ना हुआ हो। अगले सीन में हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि मून के पास में आया था और वो इसके बारे में उसे रिपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अगले सीन में हमें उन सारे मरीजों को दिखाया जाता है जिनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था, जहाँ पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का इलाज कर रही होती है। वेल, अगले सीन में हमें मून को दिखाया जाता है जो कि अपने पलटन के साथ में हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें कार के मदर को दिखाया जाता है जो कि उन सारे बंदों को देख रही होती है और वो इसकी वजह से काफी होती है। और इसके बाद वो कहती है कि इन सभी के शरीर पर जो पैटर्न बना हुआ है वो किसी तरीके का फॉरबिडन टेक्निक है जिसको किसी डीमन ने कास्ट किया होगा, जो सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है, तो हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इसकी वजह से हमारे एग्जोजम पास की हालत काफी खराब हो जाएगी। जहाँ पर हमें कार के फादर को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहते हैं कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं डीमन के टेरिटरी के अंदर जाऊंगा और इसके बारे में पता लगाऊंगा कि आखिर इस फॉर्मेशन को कैसे हटाते हैं। तो अगले सीन में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि उस मिशन पर जाने के लिए रेडी हो चुके थे, जिसमें हचेन और कार्ड भी मौजूद होते हैं। जहाँ पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से टोकन को निकालते हैं और इसके बाद वो उनको दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशानी होती है तो तुम इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद वो उनको जाते हैं और कहते हैं कि तुम जिस जगह पर जा रहे हो वो जगह काफी खतरनाक है, तो तुम्हें वहाँ पर काफी सावधान रहना होगा। अगर तुम्हारे जान के ऊपर बात बन आती है तो पहले तुम्हें अपने जान को देखना होगा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना होगा। जहाँ पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सारे चीजों को देख लेंगे। वेल, अगले सीन में हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि डीमन टेरिटरी के अंदर बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर हमें कार के फादर को दिखाया जाता है जो कि जगह जगह पर टेलीपोर्टेशन एरे को लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सभी किसी भी खतरे में पड़ते हो तो तुम सभी अपने आप को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके सामने जो भी डीमंस आ रहे होते हैं वो सभी उन सभी को मार रहे होते हैं। वेल, अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे होते हैं। अगले सीन में हमें हचेन को दिखाया जाता है जो कि कार के साथ में था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ डीमन होते हैं जो कि अपने साथियों को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। जहाँ पर हमें हचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, अगले सीन में हमें उन सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि डीमंस के डेड बॉडी को ले जाकर एक लेक के अंदर फेंक देते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लड से बना हुआ था। जहाँ पर हमें हचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। वहीं पर हमें ब्लड पूल का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर जो भी डेड बॉडी फेंकी जा रही होती है उसके अंदर से पावर निकल रही होती है और वो जो पावर होती है वो पिलर के अंदर जा रही होती है। जहाँ पर हमें हचेन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर समझ जाता है कि ये जो पिलर है वही जर है, अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारे जो भी बंदे बेहोश पड़े हुए हैं वो सभी होश में आ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक डीमन आ चुका था जिसको इसके बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद वो दहाड़ने लगता है। जहाँ पर हमें हचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उसके पावर प्रेशर की वजह से काफी दूर आ चुके थे। वहीं पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फॉरबिडन एरिया में एंटर करने की। और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में मिलकर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें हचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर उन सभी का सामना कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें डीमन बैट्स को दिखाया जाता है जिनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कार काफी ब्रूटली उन सभी को मार रही होती है। हचेन भी पीछे नहीं रहता और अपने सामने आने वाले सारे डीमंस को मार रहा था। वही
वहीं पर हमें बैड डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि पिलर के ऊपर जाकर बैठ चुका था और इसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। पर तभी हाउचेन अपने शील्ड को निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी हमें कार को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने नाइफ्स का यूज करके उस पिलर पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो पिलर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी अचानक से आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पड़ा चुके थे जो कि काफी अजीब होता है। इसके बाद हमें सामने के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े थ्रोन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन गॉड बैठी होती है जो कि काफी सेक्सी होती है। वहीं पर हमें उस डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी खुश होती है और इसके बाद वो कहती है कि फाइनली तुम मेरे हाथों में लग चुकी हो, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इस डीमन गॉड को देखकर काफी हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि ये जो डीमन गॉड है वो तो 12th डीमन गॉड है जिसका नाम लव डीमन गॉड है। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो डीमन गॉड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके बाद वो बताता है कि ये जो डीमन गॉड है अगर ये अपने पावर का यूज करे तो लेवल 9 का बंदा भी इसके सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता है, वो इसके प्यार में गिर जाएगा। और इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर हमें लव डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रेशर को उन पर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। तभी हाउचेन अपने टोकन का यूज करने वाला था जिसको मून ने उसे दिया था पर उसका टोकन भी काम नहीं आता। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लव डीमन गॉड होती है वो अपने तितलियों को आगे बहती है और इसके बाद वो कैर को अपने पास में बुलाने लगती है। अब इसकी वजह से हाउचेन काफी परेशान हो चुका था और वो समझ जाता है कि जो लव डीमन गॉड है वो असल में कार के पीछे है। वहीं पर हमें तितलियों को दिखाया जाता है जो कि कार को वहां से लेकर जाने लगती है पर हाउचेन उसको पकड़ चुका था जिसकी वजह से लव डीमन गॉड काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो अपने प्रेशर को बढ़ा देती है जिसकी वजह से हाउचेन की हालत खराब होने लगती है। तभी लव डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके हाउचेन को पीछे फेंक देती है और एक क्रैक को ओपन कर देती है जिसकी वजह से हाउचेन काफी दूर जा चुका था। लव डीमन गॉड आगे बढ़ती है और इसके बाद वो कार के पास में आ चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि सच में तुम काफी खूबसूरत हो, तुम मेरी अगली उत्तराधिकारी बनने के लिए पूरी तरीके से लायक हो। पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में आ चुकी थी और इसके बाद वो उस पर अटैक करने लगती है। पर हमें लव डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कार के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी और वो कहती है कि बच्ची तुम्हारा ये अदा मुझे काफी पसंद आया। और इसके बाद वो कहती है कि मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कायड़ बार बार उस पर अटैक कर रही होती है पर उसका अटैक काम नहीं कर रहा होता है, वो बार बार कार के अटैक से बच जा रही होती है और वो अपने चार्म का कार पर यूज करने लगती है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसके चार्म के अंदर आने लगी थी पर वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और इसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। पर लव डीमन गॉड दोबारा से उसको पकड़ लेती है और वो जबरदस्ती उसकी आंखों के अंदर देखना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों में आने लगती है और हमें कार को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े सिंहासन के ऊपर बैठी होती है। जहाँ पर हमें लव डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी चीजें जानती हूँ और इसके बाद वो बताती है कि तुम्हारे पास में डेथ गॉड की पावर है, साथ ही तुम असेसन टेम्पल की सेंट हो। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम इन सभी चीजों के साथ में मेरी उत्तराधिकारी बन जाती हो तो तुम्हारे पास में मेरी भी पावर्स आ जाएगी और तुम इतनी ज्यादा पावरफुल बन सकती हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डीमन गॉड भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें मेरे बात को मान जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो पूरा इतिहास बदल जाएगा। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों के अंदर नहीं आती है और उस पर अटैक करने लगती है। जहाँ पर हमें लव डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसको उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बार बार कार को अपने बातों के अंदर उलझाने की कोशिश कर रही होती है। पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों के अंदर नहीं आ रही होती है। तभी हमें लव डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ में जो भी बंदे हैं वो सभी तुमसे प्यार करते हैं, आखिर तुम इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरे बात को मान जाना चाहिए। पर कार उसके बात को मानने को तैयार नहीं होती है, वो कहती है कि तो फिर ठीक है चलो मैं तुम्हारे मेमोरी के बारे में तुम्हें बताती हूँ। और इसके बाद वो कार को मेमोरी वर्ल्ड के अंदर भेज देती है जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जिसके सामने काफी सारी मेमोरीज होती है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके मुझे इल्यूजन में डालना चाहती हो पर मैं तुम्हारे बातों के अंदर नहीं आने वाली हूँ और वहाँ पर जो भी याददाश्त होते हैं कार्ड उन सभी से
बच रही होती है पर वो नहीं बच पाती और वो एक मेमोरी से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसको अपने बचपन के बारे में याद आने लगती है। धीरे धीरे करके कार को और भी काफी सारे मेमोरीज के बारे में याद आने लगती है जिसकी वजह से कार डीप स्लीप के अंदर जा चुकी थी। वहीं पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसको लगने लगता है कि मेरा प्लान सक्सेस होने वाला है। पर तभी हवचेन स्पेस को फाड़कर वहां पड़ा चुका था और इसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है। पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोक रही होती है और इसके बाद वो हवचेन से कहती है कि आखिर तुम कार को जगाना क्यों चाहते हो, वो काफी अच्छी नींद ले रही है तो तुम्हें उसको नींद लेने देना चाहिए और वैसे भी मैं उसको अपने पावर को दे रही हूँ, अगर वो मेरे पावर को ले लेती है तो वो काफी पावरफुल हो जाएगी, तो आखिर तुम बाधा क्यों बन रही हो। जहाँ पर हमें हवचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि कार को तुम्हारे पावर की कोई भी जरूरत नहीं है और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुमने कार के साथ में क्या किया है। जहाँ पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि जो कार है मैंने उसको उसके पुराने मेमोरीज को पाने में हेल्प की है। अब इस बात को सुनकर हवचेन काफी गुस्सा हो चुका था और वो समझ जाता है कि अभी के टाइम में कार काफी तकलीफ में होगी। सच में हमें कार को भी दिखाया जाता है जो कि काफी तकलीफ में होती है। जैसे जैसे उसको मेमोरीज याद आ रही होती है वो धीरे धीरे पत्थर के अंदर बदल रही होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो लगातार लव डिमन गॉड पर अटैक कर रहा था। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलती है जहाँ पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हवचेन पर भारी पड़ रही थी। साथ ही हमें कार को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जम चुकी थी। जहाँ पर हमें हवचेन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम जाइंट स्वॉर्ड टेक्निक होता है और वो उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है। अब हवचेन के बढ़े हुए पावर को देखकर लव डिमन गॉड भी काफी हैरान हो चुकी थी पर उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है और वो हवचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर हमें हवचेन को दिखाया जाता है जो कि इतने पर ही नहीं रुकता और इसके बाद वो एक बहुत ही बड़े फायर बॉल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लव डिमन गॉड उसके अटैक को नहीं रोक पाती और उसके अटैक से हिट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हवचेन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने लाइट पावर का यूज करके कार को होश में लाने लगता है। तभी लव डिमन गॉड वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो हवचेन को दूर करने लगती है। हवचेन कार को चिल्लाने लगता है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस के अंदर जा रही होती है तभी उसको हवचेन की आवाज आती है और वो होश में आने लगती है जिसके बाद वो हवचेन की तरफ बढ़ने लगती है। पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हवचेन को पीछे खींच रही होती है। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि समझ चुकी थी कि यहाँ पर जो भी मेमोरीज है वो सभी मेरी पुरानी मेमोरीज है, भले ये सभी जो मेमोरीज है वो मेरे खराब मेमोरीज है पर यहाँ पर एक और मेमोरी मौजूद है जो कि मेरे काफी दिल के करीब है क्योंकि एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि हमेशा मेरा इंतजार करता है और हमेशा मेरी मदद करता है। जिसके बाद वो कुछ मेमोरीज को एक्सेप्ट कर लेती है जिसमें वो हवचेन के साथ में बचपन में होती है। जैसे ही उसको मेमोरी मिल जाती है जिसके बाद वो काफी तेजी के साथ में हवचेन के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। हवचेन भी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कायर के हाथ को पकड़ लेता है और उसको अपने तरफ खींच लेता है। इसके बाद हमें हवचेन को दिखाया जाता है जो कि कार को लेकर भागने लगता है। जहाँ पर हमें लव डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि लगातार उन पर अटैक कर रही होती है। पर हमें हवचेन को दिखाया जाता है जो कि कार को उन सभी से बचाकर भाग रहा था। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि सिनरी को याद करने लगती है और ये जो सिनरी होती है वो पूरे बचपन से मैच कर रही होती है। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि हवचेन से कहती है कि हवचेन जैसे बचपन में हमने फाइट किया था साथ में मिलकर, चलो दोबारा से साथ में मिलकर फाइट करते हैं। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।